मैं खबर सुनू मेरे भाई को नहीं 25 तारीख के दिन वाला हैदराबाद को है। मैं खदीर की बहन हूँ। मैं 25 तारीख को हैदराबाद को आगे कहा बोले लगा उसी में अलग पीएस को आए आके हमारे शहर को फोन करके बुलाए कोई ना दिन आप पीछे क्या हो तो जी हाँ बोलते हम गए क्या हुआ सर कहीं को बुला रहे हैं मतलब खदीर को आप क्या हो ना पूछे मैं उनकी बड़ी बहन हूँ कहीं को सर बोले तो नहीं खदीर को बुला के लेके आओ आप खदीर को लेके आओ नहीं कहीं को सर कह के आज कर दो हम आपको इंसाफ दिलाते खाली एक छोटा मशूरा लेना है उन्होंने कुछ इसमें है नहीं है ऐसा कुछ करे मैं बोली नहीं सर हमारा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते ऐसा तो कुछ भी नहीं है उनके पर अब बोलते नहीं बोलते हम लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दिए गंदे गंदे गालियाँ दिए हम लोगों को और ये तो हमारे खाला को हमारे शहर को जब से पहले से बर्ताव करना शुरू कर दिया लगा कैमरे के सामने हाथा उठाए लेके मारे नहीं जब घर में जाके हर चीज़ चेक करे लगा कपड़ा कपड़ा लेके पूरा चावलों में हाथा डाल के सामान घर का जो भी है सब निकाल के फेंक के पूरा चेक कर लिए चेक करने के क्या कुछ है अब कहाँ है खबीर अगर नहीं मिला तो मैं आपके शहर को पकड़ लेके जा रहा हूँ कई के आस है वो तो चोर को एक सजा देने की आप लोगों को सजा लेडीज पुलिस को लाता हूँ आपको एक पठन चोरू के जेल में डालता हूँ इनको एक सेंटर जेल में डालता हूँ सबको सजा मिलेंगे हम ना डर गए सर डर के कई को ऐसा करे नहीं आप बुलाते मैं लेडीज पुलिस को लेके आऊँ बोलते हम लोगों को जो तेलुगु में गालियाँ देना है ना गालियाँ दे दी डोंगा मुंडा बोले लंजे मुंडा बोले खिलाड़ी मुंडा बोले कौन बोले ये बात प्रशांत पवन राजशेखर दोनों आए थे ऐसा ही है कहते ये आईडीटी वाले नहीं थे जी दोनों बहुत जुलम करे हमारे थे इतना जुलम करे जब तक हमारा भाई नहीं मिला जब तक हमारे शहर को पकड़ लेते हर जगह कहाँ कहाँ फिरे लगा हुसैनी आलम से जो फिरे तो सईदाबाग वहाँ तक लेके गए जहाँ जहाँ आप लोग आ रहे थे जहाँ जहाँ के आपके रिश्तेदार है वहाँ तक फिरता हूँ बल्कि इनको लेके जाके जब हमारे भाई को लेने के आए तो इनको बोले छोड़ देता हूँ फिर हमारे भाई के साथ इनको भी पकड़ के लेके आए जो सईदाबाग से मारते लेके आए सर लगा तो हमारे भाई को पूरी जान लिए तक मार दिए सर हमारे भाई के दो गुर्दे सोले हुए हाथों से हमारा भाई मजबूर पड़े हुआ था न फोन लेके सो बात के लिए आए मालूम ऐसा मक्खी ऐसा बैठी थी बस हिलाने का भी हमारे भाई को होश नहीं था आखिर उनकी जान गई